साहब एक चीज पूछना चाहता हूं मैं, जैसे कि मेजर डिजीज होते हैं जो शरीर की गंभीर असाध्य बीमारी जिन्हें आप बोलते हैं, जैसे कैंसर है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन है या किडनी के जो भी वो मेजर डिजीज होती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बताना चाहेंगे? मेरा रिसर्च है, मेरा रिसर्च 45 श्लोका पे ही है। मैंने जो अपनी PhD करी वो 45 श्लोका पे करी, और एक्चुअल में मैंने PhD के लिए रिसर्च नहीं करी थी। मेरे को तो ऐसे ही लगता था कि जब मेरी माँ पढ़ती थी ये भक्तामर श्लोक, कोई भी संत बीमार पढ़ते थे और वो ठीक हो जाते थे। तो मैं क्योंकि एक डॉक्टर की लड़की हूँ, तो मैंने तो MBA CS सब कुछ करके फैक्ट्री जाती थी, पर मेरे अचानक ऐसे आया कि मैं इस रिसर्च को एक साइंटिफिक एस्पेक्ट दूँ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं देखूँ पहले खुद कि ये वर्क करता कि नहीं, और फिर उसके बाद अगर ये वर्क करता तो मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी को प्रूव करके दूँ कि इट इज़ अ ड्रगलेस थेरेपी। तो मैंने ये रिसर्च चालू करी, हॉस्पिस से चालू करी, डाइंग पेशेंट से, जो कैंसर के डॉक्टर्स जो कीमो और रेडिएशन देने के बाद कह देते कि ये ठीक नहीं होंगे। तो एक स्नेहांचल है पेलिएटिव केयर सेंटर नागपुर में, जहाँ पे 20-25 पेशेंट्स होते हैं, वहाँ सब होम केयर ट्रीटमेंट फ्री है, सब उनके रिलेटिव्स का भी रहना बहुत इंतज़ाम है। तो वहाँ से मैंने रिसर्च स्टार्ट करी थी मारुक करके, वहाँ पर हॉस्पिस की एडमिनिस्ट्रेटर थी। तो जब उन पेशेंट की, एक पांडुरंग सरपंच था वनी गाँव का, उसकी आयु, डॉक्टर्स ने मेरे को कहा था कि मैडम आई डोंट वांट टू मिसगाइड यू, हिज एज इज हाफ एन आवर, मतलब हाँ हाफ एन आवर बोले कि इसके ब्रेन में कन्वर्जन्स आ गए, कन्वर्जन से प्रूव होता है कि ब्रेन में कैंसर आ गया। बोले पर बी पॉजिटिव, आप अपना पढ़िए, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, आप अपना रिसर्च लीजिएगा। तो उस पेशेंट पर जब मैंने काम किया तो वो पेशेंट 3 महीना जिया, और इसको हम जब गांव छोड़ने गए तो हमने वर्धा मेडिकल कॉलेज में उसके डॉक्टर्स को भी दिखाया, उसके रिपोर्ट भी ली, और उन्होंने एंडोर्स किया कि ये इनका कैंसर इतना ठीक हो गया। तो ऐसे 45 श्लोक। और फिर जब हॉस्पिस के रिजल्ट अच्छे आए तो हॉस्पिस ने मुझे सेंट्रल कैंसर इंस्टीट्यूट भेज दिया, और सेंट्रल कैंसर इंस्टीट्यूट में मैंने फिर क्रिटिकल सर्जरीज में चैंटिंग किया 3-2 घंटे ऐसे रोज, हर क्रिटिकल सर्जरी में जिसमें चांसेस बहुत कम थे बचने के पेशेंट के, उसमें किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो डॉक्टर अजय मेहता जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, उन्होंने खुद अपने हाथ से सर्टिफिकेट टाइप करके दिया कि 45 श्लोका ऑफ भक्तामर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन विच हेल्प्स पेशेंट्स इन हीलिंग, and we can do it pre-operatively during the surgery and post-operatively. मतलब उन्होंने इसको medicine की तरह वो किया। तो 45th जो श्लोक है अपना वो आप एक बार बताएं कि क्या रिद्धि सिद्धि मंत्र कौन कौन से हैं उनके। हाँ, ये श्लोक मैं आपको चैंट करके बताती हूँ। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना सोच्याम दशामुपगताश्वत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत देत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। इसका अर्थ है कि भीषण रोग हो गया था, उद्भूत भीषण, भीषण रोग हो गया था जलोदर, और पेट पूरा उनका फूल गया था और जीने की आशा नहीं थी। वैद्यों ने कह दिया था कि ये नहीं बच सकते, उनके घर वालों ने भी उनके जीने की आशा छोड़ दी थी, पर उन्होंने आदिनाथ की स्तुति करके ये श्लोक पढ़ के वो कामदेव समान सुंदर बन गए। तो ये तो शास्त्रों में लिखा था, पर मैंने एक्चुअली में इसको जब इम्प्लीमेंट किया डेंटल मेडिकल कॉलेज में, एक सब म्यूकस फाइब्रोसिस का